पूर्वोत्तर रेलवे के द्वारा दूसरा भारत गौरव ट्रेन चलाया जा रहा है, जिसके संबंध में CPRO पंकज कुमार सिंह ने बताया कि एक भारत श्रेष्ठ भारत देखो अभियान चल रहा है, जिसमें भारत देखो एक टूरिस्ट ट्रेन चलाई जा रही है। इससे पहले गुरु कृपा यात्रा चलाई थी, इस समय दूसरी भारत गौरव ट्रेन चलाई जा रही है जो कि 22 जून से प्रारंभ होगी, जो कि 9 रात्रि 10 दिन की यात्रा होगी, जो कि 1 जुलाई को खत्म होगी। इसमें तारकेश्वर, महादेव, महाकालेश्वर, सोमनाथ, द्वारकानाथ मंदिर, नागेश्वर नाथ मंदिर, ओंकेश्वर नाथ मंदिर, भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग की यात्रा शामिल रहेगी। इस यात्रा में कुल 767 सीट है। इसमें यात्रियों को 18,464 रुपए का किराया देना पड़ेगा, जिसमें रहना खाना पीना सब रहेगा। इस संबंध में गोरखपुरनी से बात करते हुए CPRO पंकज कुमार सिंह ने कहा, एक भारत श्रेष्ठ भारत और भारत देखो अभियान जो चल रहा है, जिसमें कि एक भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन है जो पूर्वोत्तर रेलवे को मिली है, उसके माध्यम से पूर्वोत्तर रेलवे ने पहली गुरु कृपा यात्रा चलाई थी, उसके बाद दक्षिण भारत को एक यात्रा गई थी, और लगातार इस तरह की यात्राओं की मांग स्पेशली गोरखपुर से है, तो गोरखपुर से दूसरी भारत गौरव ट्रेन चलाई जानी है और इसके लिए 22 जून से यह यात्रा चलेगी और 1 जुलाई तक यानी कि 9 रात्रि 10 दिन की यात्रा होगी पूरी। इसमें जो पॉइंट कवर किए गए हैं उसमें ओंकारेश्वर महादेव, महाकालेश्वर, सोमनाथ, द्वारकाधीश मंदिर, नागेश्वर नाथ, त्र्यंबकेश्वर नाथ, घृणेश्वर नाथ और भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग इसमें जो है सम्मिलित रहेंगे। इस यात्रा में कुल जो सीटें हैं वो 767 सीटें हैं, जिसमें 2 AC के 2 AC के 49 सीट्स और 3 AC के 70 सीट्स और स्लीपर के 648 सीट्स हैं। इसमें जो यात्री हैं उनको 3 श्रेणी में, जैसा पहले हम लोगों ने जो यात्रा इस तरह की IRCTC के माध्यम से करवाई थी तो उस समय भी 3 अलग अलग कैटेगरी के जो है फेयर चार्जेस रखे गए थे, इस बार भी 3 अलग अलग कैटेगरी में पैकेज बनाए गए हैं। पहला इकोनॉमी कैटेगरी, इसमें स्लीपर क्लास की यात्रा होगी, इसमें पर पर्सन 18,466 रुपये जो है किराया लगेगा, जो पैकेज है इसका। इसमें ये कंप्लीट पैकेज है कि वहाँ पे एक बार यात्रा आपकी शुरू हो गई तो खाना पीना, वहाँ रहना और रोड ट्रांसपोर्ट सब कुछ इंक्लूडेड है इसमें। स्टैंडर्ड श्रेणी एक जो बनाई गई है वो 3 AC के लिए है, इसमें प्रति व्यक्ति जो है वो 30,668 रुपये हैं। और इसी प्रकार से जो कंफर्ट श्रेणी है यानी कि 2 AC के लिए जो पैसेंजर्स या श्रद्धालु जो यात्रा में जाना चाहते हैं उनके लिए प्रति व्यक्ति 40,603 रुपये है। तो ये एक बहुत ही अच्छी सुविधा शुरू करी है रेलवे ने, जिससे जिसके माध्यम से लोग विभिन्न स्थानों पर जो भारत के प्रसिद्ध स्थान हैं, चाहे वो इस तरह के तीर्थ स्थल हों या फिर दर्शनीय स्थल, वहाँ पर जा सकते हैं और उसके बारे में देख सकते हैं, समझ सकते हैं। इस तरह की यात्रा में पूरी की पूरी जो एक कह लीजिए रेस्पॉन्सिबिलिटी है IRCTC की कि वो एक बार आप ट्रेन बोर्ड कर लेते हैं उसके बाद से वो वहाँ पर दर्शन कैसे होना है, कहाँ से आपको होटल में कहाँ रुकना है, कहाँ से जो है आपको दर्शन के लिए जाना है, रोड ट्रांसपोर्ट कहाँ करना है, ये सभी जिम्मेदारी IRCTC इस पैकेज में उठाती है और एक बहुत ही कह लीजिए कंफर्टेबल यात्रा होती है। तो सभी से अपील है कि इस तरह की जो व्यवस्था रेलवे चला रही है IRCTC के साथ लेकर आई है, इसका लाभ उठाएं।